दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल की एक और नई वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं आखिरकार वो क्यों चल रहे हैं, क्यों बात हो रही है उनके बारे में, और ऐसे ट्रेंड्स जिनको कुछ खास लोग ट्रेंड करा रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं यहाँ पे। साथ ही आपको ये भी बताता हूँ अब कि ऐसी खबरें जो ट्रेंड करनी चाहिए और ट्रेंड नहीं कर रही वो खबरें कौन सी है। तो घुसते हैं आज की वीडियो के अंदर और जानते हैं ये सारी चीजों के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं जरा सी बात करना चाहता हूँ दोस्तों मीडिया के बारे में, क्योंकि मीडिया कितनी ताकत होल्ड करती है हमारे देश में ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मीडिया कर्मी जो है वो कितनी ताकत होल्ड करते हैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अर्णब गोस्वामी कहता है कि उसने रिया चक्रवर्ती को जेल भेज दिया, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिला दिया, वो सही कहता है पूरी तरीके से, उसने मेहनत करी है सारी चीजों में। इसलिए पिछले 100 डिबेट्स का ब्यौरा मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर, और आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कितनी मेहनत उसने सुशांत सिंह राजपूत के केस में करी है। आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे इशूज, ऐसे बड़े इशूज जिनके बारे में वो डिबेट कर सकता था और करनी भी चाहिए थी, लेकिन उसने एक सेकेंड भी उनके ऊपर कोई अटेंशन पे नहीं करी। तो 26 मई से 9 सितंबर 2020 अर्णब गोस्वामी की 100 डिबेट्स, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर 39 डिबेट्स, एंटी कांग्रेस 21 डिबेट्स, पाकिस्तान के ऊपर 12 डिबेट्स, रिलीजन के ऊपर 11 डिबेट्स, चाइना के ऊपर 5 डिबेट्स, विकास दुबे के ऊपर 5 डिबेट्स, और मोदी जी के गुणगान करने के लिए 3 डिबेट्स, उसके अलावा अनलॉक के लिए 1 डिबेट, और दिल्ली दंगों के लिए भी 3 डिबेट। इसके अलावा दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कोरोना वायरस जो इस सारे टाइम पे चल रहा था, बेरोजगारी की प्रॉब्लम जो उससे पहले से चल रही थी, अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम जो उससे पहले से चल रही थी, आत्महत्या किसानों की जो उससे पहले से चल रही थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो और पहले की प्रॉब्लम है, और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ये भी पहले की प्रॉब्लम्स है, इनके बारे में एक भी डिबेट इन 100 डिबेट्स में से नहीं करी गई। यानी कि साफ मतलब है इसका, अर्णब गोस्वामी नहीं चाहता कि हमारे देश के बेरोजगार युवा को कोई रोजगार मिले। अर्णब गोस्वामी नहीं चाहता कि कोरोना वायरस की प्रॉब्लम हमारे देश से खत्म हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर एक भी डिबेट नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 39 डिबेट्स में से अगर 30 डिबेट्स भी किसी और इंपॉर्टेंट मैटर पे, जैसे कि मैंने बताया बाद में आपको उनमें से कराता अर्णब, तो अब तक कोई ना कोई मैटर हमारे देश के लिए हमेशा के लिए खत्म हो चुका होता। ये ताकत है अर्णब गोस्वामी में और देश की मीडिया में, लेकिन उस ताकत को कितना नेगेटिवली यूज किया जा रहा है ये आप क्लियरली देख सकते हैं। ये बात क्लियर हो जाती है कि देश की जो मीडिया है वो देश के हित के बारे में कुछ नहीं सोच रही। अगर आपको बताते हैं देश के हित के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। देश की मीडिया जो है वो पूरी तरीके से देशद्रोही मीडिया हो चुकी है। अब मैं आपके लिए काम सोचने के लिए छोड़ता हूं कि क्या आप एक देशद्रोही मीडिया की बातों में आकर उनको फॉलो करने वाले और देश का बेड़ा गर्क करने वाले, या फिर अपनी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करके अपने देश को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ये डिसीजन पूरी तरीके से आप लोगों का है। अब मैं बढ़ता हूं कि आज के ट्रेंड्स आखिरकार क्या चल रहे हैं। पहला ट्रेंड चल रहा है कांट ब्लॉक रिपब्लिक, और ये ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने केबल ऑपरेटर्स को बोला है कि रिपब्लिक टीवी के ब्रॉडकास्ट पे रोक लगाई जाए। तो अर्णब गोस्वामी जो पहले आधा पागल था वो पूरा पागल हो गया इस खबर को सुन के, वो पागलपंती के दौरे पड़ चुके हैं, उसको फिट्स पड़ रहे हैं, उसको ड्रग्स चाहिए। अर्णब गोस्वामी कह रहा है कि मेरे को टारगेट किया जा रहा है मेरे चैनल को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इस ट्रेंड में जो ट्वीट्स हैं वो बड़े अजीब और बड़े विचित्र टाइप के ट्वीट्स हैं। एक ट्वीट जो कंगना रनौत के फेक अकाउंट से ट्वीट करा गया है वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। उसमें लिखा गया है, सूडो लिबरल्स एंड बॉलीवुड स्टार्स, राम मंदिर के बारे में चुप, सुशांत सिंह के बारे में चुप, ड्रग्स के बारे में चुप और कंगना के बारे में चुप, स्टार्ट स्पीकिंग ऑन रियल इश्यूज। ट्रेंड में जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, जो लोग अर्णब गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं, उनके हिसाब से कंगना, ड्रग्स और राम मंदिर और सुशांत ये रियल इश्यूज हैं, कोरोना वायरस, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था रियल इश्यूज नहीं है। इसीलिए इनके बारे में शायद कोई डिबेट भी अर्णब गोस्वामी नहीं कर रहा। दूसरे ट्रेंड के बारे में बात करना चाहूंगा, अरेस्ट साजिद खान, दूसरा ट्रेंड ये चल रहा है। साजिद खान के ऊपर एक और मीटू का चार्ज लगा है और इसके ऊपर एक कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। साजिद खान अगर कल्प्रिट है उसको जेल में डालना चाहिए, मैं भी इस चीज की मांग करता हूं। तो ये चीज भी साथ ही साथ ट्रेंड कर रही है। मुबारक हो दोस्तों, इमॉर्टल सुशांत अगला ट्रेंड है। इमॉर्टल सुशांत ये भी ट्रेंड कर रहा है पूरी तरीके से। सुशांत सिंह राजपूत जो ट्रेंड से गायब हो गए थे वापस आ गए हैं। उसके अलावा ट्रेंड कर रहा है नेशन विद आर भारत। अब ये नेशन के कौन से लोग हैं मुझे ये समझ में नहीं आता, जो रिपब्लिक भारत के साथ हैं, शायद डेफिनेटली वही लोग होंगे जो गोबर खाते हैं सुबह दोपहर शाम को, वही लोग रिपब्लिक भारत का साथ दे सकते हैं। उसके अलावा एक ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन जरा पहले नेशन विद आर भारत और इमॉर्टल सुशांत, कांड ब्लॉक रिपब्लिक के बारे में छोटी सी एक बात कर लेता हूं कि मुझे लगता है कि एक ये रोस्टर बन चुका है, एक शेड्यूल बन चुका है पूरे हफ्ते लोगों को डाइवर्ट करने का,
तीन दिन कंगना रनौत ट्वीट ट्रेंड करती हैं, तीन दिन रिपब्लिक टीवी ट्रेंड करते हैं और तीन दिन दोस्तों ट्रेंड करते हैं सुशांत सिंह राजपूत। और पूरा हफ्ता इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनके आंखों में धूल झोंकी जाती है, उनको असली मुद्दों से डाइवर्ट किया जाता है। अब राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, ये एक बड़ा ट्रेंड है। इसमें ट्रेंड एक और भी चीज कर रही है, 17 सितंबर 17 आवर्स 17 मिनट। तो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने वाले हैं देश के हमारे युवा, बेरोजगार युवा, और वो 17 तारीख को मनाने वाले हैं। 17 तारीख को क्या रिलेवेंस है और क्यों ये एक बड़ी डेट है? 17 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो यानी कि नरेंद्र मोदी जी, यानी कि जो फकीर बाबा हैं, उनके जन्मदिन वाले दिन हमारे देश का जो यूथ है वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने वाला है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। इस चीज़ को पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर करेगा। अब ज़रा आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि इससे हमारे देश का नाम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और ये भी चीज़, क्या ये भी चीज़ एक एक्ट ऑफ गॉड है या किसी एक स्पेसिफिक शख्स द्वारा क्रिएट करी गई है, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। तो ये तो है दोस्तों कुछ ट्रेंडिंग खबरें। अब मैं बात करना चाहता हूँ ऐसी खबरों के बारे में जो ट्रेंड नहीं कर रही हैं, लेकिन डेफिनेटली इन खबरों को ट्रेंड करना चाहिए। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि कल किसानों पे लाठी चली हरियाणा के अंदर, और लाठी इसलिए चली क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि जो फार्म ऑर्डिनेंस लाया गया है, जो तीन ऑर्डिनेंसेज लाए गए हैं अभी रिसेंटली, उनको हटाया जाए, वो फार्मर्स के हित में नहीं है। सरकार ये कह रही है कि जो ऑर्डिनेंस लाए गए हैं इससे एग्रीकल्चर का फायदा होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फार्मर्स ये कह रहे हैं कि इससे एग्रीकल्चर का शायद फायदा हो लेकिन फार्मर्स का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत सारे नियम हैं जिनको सख्त किया जा रहा है, जो कि फार्मर्स के ऊपर डायरेक्टली बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालेंगे। फार्मिंग करने में उनको दिक्कत आएगी, उनको लैंड लेने में दिक्कत आएगी, उनको क्रॉप्स उगाने में दिक्कत आएगी। ये चीज़ दोस्तों सोशल मीडिया पे कहीं ट्रेंड नहीं कर रही है, लेकिन डेफिनेटली इसको ट्रेंड करना चाहिए। किसान यहाँ पर लगातार परेशान है, अपनी मांग उठा रहे हैं बार बार, लेकिन उनकी मांग कोई सुनने वाला नहीं है। कोरोना वायरस के ऊपर ICMR ने एक सीरो सर्वे किया था अप्रैल के एंड के टाइम पे, उसके रिजल्ट्स अब आ चुके हैं और ICMR ने ये बताया है कि मई में हमारे देश में 64 लाख केसेस ऑलरेडी हो चुके थे। अगर मई में 64 लाख हो चुके थे तो आज ये आंकड़ा कहाँ पहुँच चुका होगा, इसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं लगा सकते। लेकिन इसके बारे में भी नेशनल मीडिया बात नहीं कर रहा। इसके अलावा दोस्तों यूपी के कई जिलों से कोरोना वायरस के किट में, उसको खरीदने में एक स्कैम सामने आया, और ये पता चला है कि जो किट 2700 रुपये का था उसको 12-12 हज़ार में खरीदा जा रहा था, कहीं 8000 में खरीदा जा रहा था, बिना ई टेंडरिंग के खरीदा जा रहा था, और धज्जियाँ उड़ाई गई हैं नियम और कानून की। ये राम राज्य की मैं बात कर रहा हूँ और कोरोना वायरस के पैंडेमिक के टाइम की बात कर रहा हूँ। राम राज के अंदर कोरोना वायरस के टाइम पे एक घोटाला होता है और योगी जी जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहे होते हैं एक तरफ। उसके अलावा दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर जो 2 दिन पहले आई थी, इसके बारे में अभी तक कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है, और ये खबर सच में ऐसी है जो हमारी जान से रिलेटेड है। कोरोना वायरस की एक वैक्सीन बन रही थी जो कि AstraZeneca बना रही थी ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके, वो वैक्सीन का काम, वो जो ट्रायल्स चल रहे थे उस पर, उसको हॉल्ट कर दिया गया क्योंकि कुछ लोगों के अंदर एक अलग टाइप की बीमारी उस वैक्सीन की वजह से, अलग टाइप का बुखार देखा गया है, और इसकी वजह से वैक्सीन का ट्रायल बंद कर दिया गया है। इंडिया में जो प्रोडक्शन चल रही थी वैक्सीन की उसको भी बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके बारे में कोई ट्रेंड नहीं चल रहा। कल को आपको कोरोना की वैक्सीन नहीं मिलेगी, आपको कोरोना हो जाएगा, आप कोरोना से मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इसके बारे में कोई ट्रेंड नहीं चलेगा। और आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो और फालतू के ट्रेंड्स को चलवा रहे होंगे। और दोस्तों एक और आखिरी खबर जिसको मैं बताना चाहता हूं, जो ट्रेंड करनी चाहिए और नहीं ट्रेंड कर रही, वो ये है कि 4 कोरोना के पेशेंट्स की डेथ हो गई मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से। यहां पर आप कह रहे हैं कि कंगना रनौत के घर के ऊपर बुलडोजर ना चले, कंगना रनौत जो है वो बेकसूर है, उनके साथ गलत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये देखना चाहिए कि आपके बाजू वाले हॉस्पिटल में क्या प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, क्योंकि अगर आपको कल को कोरोना वायरस हो जाता है तो कंगना रनौत आपको डेफिनेटली बचाने नहीं आएंगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर ही आपको बचाने के लिए काम आएंगे। तो इसलिए आपको भी उसके बारे में ही ज्यादा चिंतित होना चाहिए। अब दोस्तों मैं सिर्फ इतना चाहता हूं आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने आसपास के लोगों के साथ, जिससे उनको पता चले कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कैसे देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है और एक्चुअल मुद्दे क्या हैं हमारे देश के। उसके अलावा मैं अपने YouTube के स्टैट्स देखता हूँ, फ्रीक्वेंटली देखता हूँ, और मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि आप में से बहुत सारे लोग लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल पे सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं।
तो यार ऐसी क्या नाराजगी है। प्लीज सब्सक्राइब का जो नीचे बटन है उसको दबा दो, उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन डेफिनेटली मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का बटन है, साथ में ज्वाइन का भी बटन है, दोनों में से किसी एक पे भी क्लिक करके आप मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मैं इसी तरीके के वीडियोस बनाकर आपके सामने लाता रहूं। तो दोस्तों मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।